हैदर ये कौन है? गिरी कौर कप्तान क्लॉक वाइज आ रहा है पूरा फायर सबको बहुत यकीन है ना खुदा पर मतलब मुझे यकीन नहीं है लेकिन तकरीब काफी अच्छी रही अच्छी तकरीब थी इस तकरीब को हम दोबारा मनाएंगे ठीक है ना मसनद कर्नल के लिए चलो अब इस फजूल जगह से निकल चले बारे में मशहूर है कि वो मर गया लेकिन लगता है कि हम उसे मार नहीं सके वो जिंदा है फ्रांस का आदमी है जो तंजीम में शिरकत करने वालों को मुनज्जम करता है एक नफ्सियाती जो पैसा फराहम करता है लोगों का खून बहाता है और तुम कैसे जानते हो उसे मैंने उन पर योक्सिकोवा में छापा मारा था बड़ा हुजूम था हम 8 घंटे लड़ते रहे जिस जगह वो छुपा था मैंने वहां बमबारी की थी लेकिन वो बच गया और हमें नहीं भूला हम भूलने वाली चीज भी नहीं मैं सिर्फ बस ये दुआ करता हूं कि मेरा भाई जिंदा हो और दिमाग मेरा हॉस्पिटल की तरफ भी है जहां मेरी बीवी है अल्लाह खैर करेगा सब ठीक हो जाएगा हैदर फिक्र मत करो इंशाल्लाह मेरे भाई कप्तान क्लॉकवाइज आ रहा है एक काफला आ रहा है 4 गाड़ियों का ये वो हो सकते हैं कितने आदमी लग रहे हैं गलत साफ दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन काफी लोग हैं समझ गया भाई हमारे तयशुदा मुकाम तक पहुंचने से पहले गोली मत चलाना इशारे का इंतजार करना मेरे जो आपका हुक्म कप्तान मुराद तुम तैयार जी कैप्टन तैयार हो जाओ जो आपका हुक्म कैप्टन शाबाश मुराद तुम सामने वाली गाड़ी रोकोगे समझ गए उसके टायर को निशाना बना जब मैं कहूं तब मुराद फायर क्या हो रहा है क्या हो गया लगता है टायर फट गया और रुक जाओ जगह महफूज नहीं है जल्दी करो हमें फौरन यहां से निकलना होगा इसे फौरन नीचे उतारो सिपाहियों हमें इन सब लोगों को यरगमाल बनाना है मैं इशारा करूंगा हमला साथ है
हुसैन, हुसैन मेरे भाई, तुम ठीक हो? बताओ तुम्हें मारा तो नहीं उन्होंने? ठीक हो ना? फिक्र नहीं करें, मामूली सी चोट है। घर चलो, तुम्हारी पिटाई करता हूँ मैं। सिपाहियों अच्छी तरह देख लो, कोई बचा तो नहीं है यहाँ पर। शुक्रिया अदा करो कैप्टन कागान का। बात सुनिए सर, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये हमारा फर्ज था। हुकुम करे सर। सुनो खलील, इसकी अच्छी तरह मरम पट्टी करो। जो आपका हुकुम कैप्टन। चलो जाओ तुम। तो यहाँ पिकनिक बनानी है या काम मुकम्मल करें? क्यों, क्या काम मुकम्मल नहीं हुआ? मेरा भाई तो मिल गया। और वो आदमी की रिकॉर्ड, उसका क्या हुआ? उसे मारने की ख्वाहिश हो रही है क्या? मारना तो है। तो फिर ठीक है। सुनो सिपाहियों, बाबा कह रहे हैं कि वो अपने हाथों से उन दहशतगर्दों को मारेंगे। सुन रहे हैं आप सब? कैप्टन बोजो क्या करेंगे? कमांडर हैदर की नशरियात शुरू हो गई। क्या बात है, मैं पूरा प्रोग्राम देखूंगा जब तक इश्तिहार ना आ जाए। कैप्टन मुजोक कहते हैं कि शेर छोटे शिकार से मुतमईन नहीं होता, उकाब आधे से कम कबूल नहीं करता, भेड़िया काम आधा नहीं छोड़ता। मैं आप सबको जानता हूं, आप थक गए, सोए नहीं है, भूखे हैं, लेकिन फिर भी आप उस दहशतगर्द को मारने के लिए तैयार हैं? तैयार है सब? तैयार है सब? तैयार है सब? तैयार है कैप्टन। तो बुजुर्ग बाबा कैसा लगा? मैंने इनका हौसला बढ़ा दिया है। प्लान कामयाब होगा वरना मैं हैदर नहीं। हमारे पास हमेशा ही कोई प्लान रहता है दोस्त, हमेशा ही प्लान होता है। बस आप साथ रहे। गालिब जी कहिए कप्तान। गाड़ी का टायर ठीक करने की कोशिश करो। ठीक है कप्तान। और साथ इन तमाम लोगों को ठिकाने पर लगा दो। ठीक है कैप्टन। मुराद, मेरे भाई हम सबको अपने भेष बदलने होंगे, समझ गए? एमरे कहाँ है? एमरे, एमरे। जी कैप्टन। यार मेरे सर में बहुत दर्द है। पिछले मुकाबले के दौरान किसी ने बड़ी मजेदार चाय बनाई थी, याद है तुम्हें? मुझे याद है सर। मेरे लिए वो चाय बना दो भाई। लेकिन सर क्या? हमें कॉफी भी आती है। नहीं, चाय बना दो बस। किस किस्म का सिपाही है, कह रहा है कॉफी भी आती है मुझे? फिर इजाबेल ने क्या कहा खदीजा? सुबह कॉल आई थी लेकिन कुछ खास नहीं कहा, बस इतना कहा कि उसकी नन बीमार है इसलिए आज वो काम पे नहीं आएगी। हाँ, कितना झूठ बोलती है। ये भी कोई बताने का वक्त है कि नहीं आ रही है? अच्छी औरत है, दो दिन से इतनी तैयारियां कर रहे हैं कि हमारे घर पार्टी है, कोई नहीं आ रहा। इंसानियत ही नहीं रही दुनिया में। गलती कर दी हमने सबको दावत का कहकर। अम्मी इसमें तो गुस्सा करने वाली क्या बात है, छोड़े नहीं आए कोई हमें से क्या? अल्लाह अल्लाह। चुप करो तुम अभी छोटी हो, तुम्हें नहीं पता। अब हम आइंदा किसी को नहीं बुलाएंगे, बेकार में हमने इतनी मेहनत की और वक्त जाया किया। आंटी नहीं नहीं, पड़ोसियों को बुलाने की बात नहीं है खदीजा, दरअसल हमारे रिश्तेदार नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं कि हम उन्हें अपना बना लें ताकि वो साथ खड़े हो। मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैं और आप एक जैसे ही तो हैं। अब देखें बहराम और मैं, हम दोनों भी एक जैसे ही हैं आंटी, यानी अगर कुछ उसके पास नहीं है तो मेरे पास भी नहीं है। रुक जाओ बेटा रुक जाओ, मैं सब संभाल लूंगी और अब किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी। मैं इसकी शादी करवा के ही दम लूंगी बस। क्या क्या क्यों? कुछ नहीं बेटा, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी, कोई मसला है क्या? हाँ? कागान भी नालायक है, पता नहीं कैसी औलाद है। हमारी लड़की को ही देख लो, बस एक अंगूठी ही तो पहनानी है और क्या, बस हो गया रिश्ता। लेकिन हमारी बच्ची ऐसे कैसे कर सकती है, इसकी जिंदगी तो बस नूडल्स पे खत्म है, नूडल्स पे। ओ मगर ये भी तो कम नालायक नहीं, पढ़ाई खत्म करो, घर के काम शुरू करो, स्कूल जाना बंद करो, सुन लिया ना तुमने? अम्मी क्या कह रही है अम्मी? और खदीजा पापा, इनको तो मुझ पर फखर करना चाहिए और उल्टा ये मेरी बेइज्जती कर रही है। मैं डॉक्टर बन रही हूँ अम्मी। चुप करो। वैसे आप दोनों मुझे मत फंसाए प्लीज। मुझे नहीं पता, मुझे नवासे नवासे चाहिए और कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल मेरे पोते की तरह। देखो वो भी आ जाएंगे इंशाल्लाह अम्मी। हाय, वैसे क्या पता जल्दी इसको जल्दी हो और वो पहले ही शादी कर ले। अरे पता नहीं ऐसा कब होगा,
कब ये हाँ करेगी, कब इसकी शादी होगी, कब मेरे नवासा नवासी आएंगे। कागान से तो होने से रहा, अब मैं खुद ही कुछ करूंगी। बस तुम लोग देखते जाओ, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अच्छी सी लड़की ढूंढ के उससे बात करूंगी। हाँ तो मुझे ही करना होगा, जाहिर सी बात है। हाँ तो गई, आप ही कर सकती हैं अम्मी। जाहिर है मैं माँ हूँ, और किसे फिक्र हो सकती है। अच्छा अभी सब बातें छोड़े और कुछ खा लीजिए। मेरा कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा। ये बेवकूफ यहाँ क्या कर रहा है? क्या कह रहे हो? अरे एंगन, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। शुक्रिया असले, दरअसल एक फूलों की दुकान पर मेरी नजर इन पर पड़ी, तो सोचा तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मैं ये तुम्हारे लिए ले लूं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा नहीं। चलो चलकर कॉफी पीते हैं। मेरी क्लास है, क्लास के बाद मिलते हैं ना? ठीक है, वेट करूंगी। खुदा हाफिज़। कितना अच्छा है ना एंगन, बहुत क्यूट है। क्या क्यूट है? ये फूल क्यों लेकर आया है? फूल ही तो है कुबलाए, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। असल मैडम मेरी ये ड्यूटी तो नहीं है, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, क्या ये सब कुछ जो हो रहा है इसके बारे में कैप्टन कागान को मालूम है? कुबलाए का कागान से क्या ताल्लुक? असल मैडम ये आदमी आपके साथ चिचोरापन कर रहा है, क्यों नहीं समझ रही? आज ये आपके लिए फूल लेकर आया है, आखिर फूल देने का मकसद क्या है? और फूल भी कोई खास लेकर नहीं आया, बहुत अजीब सी खुशबू है इनकी। कुबलाए पागल हो गया, किसी को फूल देना एक नॉर्मल सी बात होती है। फूल देने का मतलब ये हरगिज नहीं कि वो मेरा आशिक हो गया, कैसी बेवकूफी की बात है। असल मैडम इसका असली नाम एंगिन है और सर नेम सू है, मुझे तो इसका ताड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुबलाए तुम्हारे पास कोई और काम नहीं? असल मैडम चलो जाओ कुबलाए, अपना काम करो, जाओ यहाँ से जल्दी। कमरे में एयर फ्रेशनर लगा लें, बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। भाई है ना,
जी। आखिरकार पैसे तैयार हो गए। कमाल कर दिखाया आपने, बहुत जबरदस्त जबरदस्त, अच्छा काम किया। मेरी कंधों साथ जो कुछ किया, अब देखेगा उसको अपने किए की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने मुझे माजूर किया, मैं सांस भी नहीं ले सकता और ना मैं चल सकता हूं। अब वो जिंदा नहीं रहेगा, अपना चेहरा दिखाओ। क्या हुआ, डर गए? मुझसे रहम की भीख मांगो। का बच्चा और बीवी, हाँ किरकोर। कुछ लोगों को तो जमीन भी कबूल नहीं करती, इसको दोबारा दफना दो कहीं। अम्मी मैं जरा मसरूफ हूं, आपसे बाद में बात करता हूं, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है कॉल करने की। आपको क्या हो गया? हाँ हाँ हाँ, हमेशा ही ऐसा कहते हो लेकिन करते नहीं हो, इसलिए अभी मेरी बात सुनो और जो कुछ मैं तुमसे पूछूं उसका जवाब मुझे हाँ में देना। अम्मी देखें, इस वक्त मैं बहुत जरूरी मिशन पर। कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारी शादी करवा रही हूँ। क्या आंटी, बस बोलती रहिए, चुप नहीं रही। मैं तुम्हारी शादी करवा रही हूँ, सुना नहीं क्या? अम्मी कैसी शादी, मतलब ये वक्त है इस बात का? अभी तो बताएं, जरूरी मिशन पर। अरे बेटा यही सही वक्त है। अरे तुम्हारी उम्र 30 साल से ज्यादा हो गई है, तुम तो इस बारे में सोचोगे नहीं, इसीलिए अब मैं खुद देख चुकी। मैं जाकर खुद आसरे का हाथ मांगूंगी, तुम दोनों अंगूठियां पहन लो, तब जाकर मैं सुकून का सांस लूंगी। अम्मी कप्तान रुक जाओ, कप्तान अर्जेंट है थोड़ा। कर्नल कबूज है, कुबला है। क्या हुआ कुबला? हाँ कैप्टन साहब, देखे मेरी बात सुने, आप वहाँ आराम से बैठे हैं और यहाँ एक आदमी जिसका नाम एंगन है, वो आसले साहिबा के लिए फूल लेकर आ गया है यहाँ। फूल ला रहा है क्या, मतलब कौन फूल ला रहा है? बाद में मुझ पर गुस्सा मत कीजिएगा कि मुझे बताया नहीं, मैं जानता नहीं था, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। देखो मैं अभी दुकान में हूँ, यहाँ खरीदारी करी। तुम कर्नल साहब को आसले के घर जाने की दावत दे सकते हो, बल्कि जरूर दे देना, बहुत अच्छा होगा। अम्मी एक मिनट रुके जरा, कुबला क्या बताया तुमने? ओ मेरे अल्लाह, एक आदमी का नाम एंगन सू है जो मैडम आसले के साथ फ्लर्ट कर रहा है। फूल लेकर आया है, फूल। आखिर ये छिछोरा है कौन बताओ? लेकिन ये है कौन कैप्टन? खामोश। हम एक शानदार मेहंदी की रस्म करेंगे और फिर शादी की तकरीब, फिर मुझे एक प्यारा सा पोता चाहिए, सुन रहे हो तुम? ये एंगन सू कौन है? अम्मी है? कौन एंगन बेटा?
ये कौन सा तरीका है अपनी माँ से बात करने का? बदतमीज कहीं का। एगेंसु कौन कप्तान? एवरेज चुप करो। कुबलाई, देखो मेरी बात सुनो। उस आदमी से जाकर कहो कि मैं उसे पंखे से लटका दूंगा और उसका जिस्म गोलियों से भर दूंगा। जानता रहिए वो मुझे। किसे लटकाएंगे पंखे से आप कैप्टन? एवरेज चुप रहो। सुनो मेरे भाई। क्या हुआ? मेरे भाई, मेरी बीवी गोक से बच्चा पैदा कर रही है। क्या मतलब किसका बच्चा पैदा हो रहा है? क्या कह रहे हो तुम? पंखे से किसे लटकाएंगे सर? चुप। कौन पैदा कर रहा है? एंगन सू कोई बच्चा पैदा नहीं कर रहा, अजीब बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मैं तो आपको सिर्फ फूलों के बारे में बता रहा था जो एंगन सू लेकर आया था मैडम के लिए। इसके अलावा बच्चे की तो कोई भी बात नहीं की है मैंने। अरे ये सब कैसे हो गया बेटा? असली माँ बनने वाली है? ऐसा कैसे मुमकिन है बेटा? हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। हेलो कागान, कैप्टन साहब। बुजुर्ग बुजुर्ग मेरे भाई, मेरा बच्चा पैदा हो रहा है, मेरा बेटा आने वाला है, जल्दी करो, चलो यहाँ से, कहीं हमें देर ना हो जाए, जल्दी करो, चलो यहाँ से। एमरे, मेरी बात सुनो, इन दोनों फोन्स को कहीं जमीन पर रखो और बराए मेहरबानी से शूट कर दो, बम छोड़ा दो या ग्रेनेड रख दो, कुछ भी करके दबाह कर दो इसे। अच्छी तरह से फोन की धज्जियां उड़ जानी चाहिए, पहले बता रहा हूं तुम्हें। जी ठीक है कैप्टन। इन फोन्स को तुम्हें दफनाना है, समझ गए ना? बिल्कुल ठीक है। चटनी बना दी इन दोनों ने दिमाग की। हेलो कैप्टन साहब। हेलो काका, कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा। काका बेटा आवाज आ रही है। मेरा नाम यूरिक हैदर है, मेरी बीवी डिलीवरी के लिए यहाँ एडमिट है। क्या हमारा बच्चा हो गया है? क्या मैं अपने बच्चे को देख सकता हूँ? मुझे जल्दी बताइए। लेकिन आप ये गन नहीं लेके जा सकते। अरे गन गन नहीं, अब तो मिलवा दे प्लीज। देखिए मेरी बहन, ये बच्चे का बाप है, इसका बच्चा यहाँ पर है और एक बाप होने के नाते इसका पूरा हक है कि ये अपने बच्चे को देख सके। प्लीज मेरी बात को समझें। हाँ मैं बाप। मतलब आप बच्चे को बाप से अलग करेंगे? मेरा मतलब ये हॉस्पिटल के हाइजीन रूल्स के खिलाफ है। चाहे तो अभी बच्चे को देख ले और उसे यहाँ से ले जाए। क्या आपको गंदे नजर आते? रुको भाइयों रुको। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं एक ग्रेजुएट इंसान हूँ और कैप्टन भी हूँ, आप परेशान ना हो। मेरी बीवी यहीं एडमिट है और मैं यहाँ अपने बेटे को देखने आया हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन आपको टाइम लेना पड़ेगा। हमें बच्चे को देखना है। उस तरफ है। आज पता चला कि तुम एक एक्टर भी हो। सही कहा आपने कैप्टन। पीछे पलटे। साथ लाए हूं हैदर। मेरी जान, ये हमारा बच्चा है ना, ये मेरा प्यारा बेटा है। मेरा प्यारा बेटा लापाक, इसे लंबी जिंदगी दे। हैदर, इंसान अपनी बीवी से भी बात कर लेता है, मुझे तुम भूल गए हो क्या? क्या मेरा ख्याल नहीं है तुम्हें? तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम मेरी जान हो। लाओ। ध्यान से उठाओ, बहुत ध्यान से। मेरा बेटा। पापा, इसके कान में आप अजान दें। हैदर, मुझे ये सब नहीं आता, अनाड़ी हूं मैं। वैसे तो मुझे भी नहीं आता। इसका नाम क्या रखना है? कागान, कागान बोसकोर्ट। मजाक नहीं, सच बताओ।
मेरे भाई, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्यों ना इसे कमांडो वाओ कहते हैं, कैसा रहेगा? बेंच हयात रखते हैं। हमें सबसे पहले नर्स से माफी मांगनी चाहिए ताकि मसला ना हो। माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह नजरें बंद से बचाए। नन्ना फरिश्ता, माशाल्लाह। आइए। जी लेफ्टिनेंट। कर्नल, हमारे पास कैलरी जेंडारमरी से कुछ मालूमात आई हैं और शायद आपका जानना जरूरी है। हाँ बताइए। डॉक्टर के बारे में है कर्नल। लेफ्टिनेंट, डॉक्टर को तो मैंने अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। उसकी मलून लाश को तो हम अपने साथ यहां लाए थे और उसको पोस्टमार्टम के बाद दफन कर दिया गया था। फिर ये कैसे हो सकता है? क्या आप मुझे ये बताने आई हैं कि वो शैतान कब्र से निकला और उसने किसी स्टेशन पर हमला कर दिया? ऐसी बात नहीं है कर्नल साहब, जो बात बताना चाहती हूँ वो इससे भी ज्यादा परेशान कुन है। डॉक्टर की कब्र को किसी ने खोद दिया है और उसकी लाश को कब्र से निकाल लिया गया है और किसी ने लाश को कब्र के करीब ही जला डाला है। तैमूर, नफ्सियाती पागल इंसान। आ जाएं। हाँ सरदार, बोलो। कर्नल साहब, रोजदा, रोजदा हॉस्पिटल से भाग गई है। कर्नल साहब, वो मशहूर जमाना रोजदा। दरअसल मेरे बाबा मरहूम का डैस बहुत अच्छा था, लेकिन मुल्क की हालात में उन्हें यही मिला। मतलब तुम हो उसके नफ्सियाती बेटे, ऐसा ही है ना? हाँ, मैं उनका नफ्सियाती बेटा हूं। अब सुनो, मैंने बहुत पैसा खर्च किया है, यहां की सजावट अपने टेस्ट और मेहनत की है, तो इसलिए मैं गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझ गई? लेकिन तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो तैमूर? सिंपल है, क्योंकि बाबा यही चाहते थे। तुमने उन्हें धोखा दिया, इसलिए मेरे पागल बाबा ने हुक्म दिया कि तुम्हें मार दूं, क्योंकि तुमने उनकी पीठ में छुरा घोंपा, उनके पीछे सिपाही भेजे। बैठ जाओ, बैठ जाओ तुम। मार दूंगा धोखे बॉस। नहीं मारना, नहीं मारना। क्यों, क्या हुआ? हाँ, डर लग रहा है तुम्हें? हाँ, तरस आ रहा है मुझे, मेरी तरफ देखो। मुझे अपने लिए डर नहीं लग रहा, मैं अपने लल्ले से बच्चे के लिए डर रही हूँ।
मैं उसे जिंदगी देना चाहती हूँ। बच्चा? ओह खुदा, किस किस्म की चीज है ये औरत? हाँ, लेकिन मैं एक राज की बात बताऊं, मेरा फैसला नहीं बदलेगा, क्योंकि मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। ये तुम्हारा भाई है तैमूर। ये नन्हा सा बच्चा तुम्हारा भाई है तैमूर। भाई, तुमने इतनी जल्दी छुट्टी क्यों ले ली? अभी तुम ठीक नहीं हुए हो। मेरा सर भारी हो गया इलियास, लेकिन अब काफी बेहतर। वैसे भी अंदर लेटे लेटे बोर हो गया था। अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है तो हम यहाँ से कुछ खाने चलते हैं। चलो किसी होटल में चलकर ऐसे खाते पीते, क्या ख्याल है तुम्हारा? चले कहीं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ, बेराम भाई भी आ गए। खैरियत तो है ना भाई? कैसे हो तुम? ठीक हो ना? ठीक हूँ भाई, बस थोड़ा बहुत दर्द है। अल्लाह शिफा दे। ठीक हो जाओगे तुम, जल्द ठीक हो जाओगे। कमांडर खैरियत, आप यहाँ कैसे? वैसे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? भाई की हॉस्पिटल से छुट्टी हुई तो मैंने यहाँ लेने आया था, अब यहाँ से कुछ खाने जा रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं, मेरे घर चलते हैं। चलो आ जाओ, शाबाश आ जाओ। रहने दे भाई, आपको बिला वजह तकलीफ उठानी पड़ेगी। कैसी बातें कर रहे हो यार, कैसी तकलीफ, क्या हो गया? तुम्हारी खतीजे भाभी भी खुश हो जाएंगी और एरन भी। चलो आ जाओ। कमांडर, इसकी जरूरत नहीं है। देखो इलियास, कर्नल कुबोज ने पूरी टीम को पैगाम भिजवाया, लेफ्टिनेंट जेदम ने बुलवाया। वो कर्नल साहब ने मुझसे कहा है कि हमें बाहर बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, समझ गए? बस थोड़े दिन की एहतियात, तो मान लो मेरी बात। चलो आज शाबाश, चलो चलो चलो। ठीक है भाई, चलो। इलियास तुम उस तरफ बैठ जाओ। कलश भाई, मुराद, चलो हमें निकलना होगा, जल्दी। मेरे भाई, मुझे आपको अल्लाह हाफिज किए बगैर जाना अच्छा नहीं लगेगा। हैदर मेरे भाई, तुम भाभी और बच्चे को अकेला छोड़कर आ गए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने क्वार्टर से भी किसी को जाने नहीं देता, क्योंकि ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। चलो आप जल्दी करो, इनको इनके तोहफे दे दो। लेकिन कैप्टन, इतनी तकलीफ क्यों की? आप शर्मिंदा कर रहे हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इसमें तकलीफ की क्या बात है, आप मेरे मेहमान हैं, मुंह तो मीठा करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। क्या आप जानते हैं, आपसे मिलना मेरे लिए शर्फ है। ये तो हमें आपको कहना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा कैप्टन। कैप्टन हैदर, हम आपका इंतजार करेंगे। इंशाल्लाह मेरे भाई, ऐसे भाइयों पर मेरी जान भी कुर्बान है। कैप्टन, मेरी दुआ है कि अल्लाह करे आपका बेटा आपके साये तले पड़ा हो। बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। तुम्हारा शुक्रिया। मैं इन सब में सिर्फ तुम्हें नहीं पहचान सका। क्या मतलब? वैसे तो तुम नाजुक मिजाज लगते हो, लेकिन हॉस्पिटल में तुमने नर्स को अपना असली चेहरा दिखा दिया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस टेक्निकल दलील पेश की थी उस नर्स के सामने बच्चे को देखने के लिए। शुक्रिया भाई, अल्लाह की अमान में रहो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आपका। बुजुर्ग बाबा, जल्दी शादी करो और बच्चे की पैदाइश पे मुझे बुलाना, ठीक है? क्यों नहीं, ख्याल रखें। जिंदाबाद मेरे शेर, जिंदाबाद। पहाड़ों के पहाड़ तुम्हें बहुत इज्जत मिले, अल्लाह तुम्हें हिफ्ज अमान में रखे। चीतों के चीते, भेड़ियों के भेड़ बुजुर्ग, अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे। शुक्रिया। अल्लाह ने के बानो, तुम्हारा भी भाई। चलो सुनाई। अल्लाह
नासिर। उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद आए। बहुत शुक्रिया। एंजॉय करें। शुक्रिया। आप आ गए। बहुत डर गई थी मैं। अब ठीक है ना इब्राहिम? तुम्हारे हाथों में वाकई बहुत जायका है। तुम वाकई बहुत कमाल करती हो, लेकिन अगर तुम कुछ डिफरेंट भी ट्राई कर लो तो सच में खाने वाले को और भी मजा आ जाएगा। क्या मतलब आपका, समझी नहीं। चलो मेरे साथ आओ। लेकिन यहाँ कस्टमर्स बैठे हैं। इब्राहिम, देसम कि बिर गर्ष्टे aşık oldum ben sana. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma. Susamıştım sevgiye, çiçekler sundum sana. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma. Susamıştım sevgiye, çiçekler sundum sana. Sevmezsin diye, sevmezsin diye. İstemem senden başka birini. Tamamlıyoruz birbirimizi. İstemem senden başka birini. Kusursuz olmaz insan hayatı. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma. Hem ye kayınge. Çiçekler sundum sana. Seversin diye, seversin diye. मजेदार है, बहुत मजे का है। मैंने तो पहले ही कहा था। आपने बहुत डरा दिया था मुझे। जानता हूँ, इसके लिए माफी चाहता हूँ। चलो अब सब भूल जाओ, अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। Kusursuz olmaz insan hayatı. Baharda kuşlar. Aa, क्या चल रहा है इब्राहिम? कुछ खास नहीं, तुम तो जानती हो, बस वही सब कुछ। क्या खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। इब्राहिम पिया, मेरा ये हफ्ता बहुत बुरा गुजरा। मेरा भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं सदियों से आज के दिन का मुंतजर था। चलो कुछ नई बात करते हैं, कोई और बात इस डिश के बारे में। ठीक है। ठीक है, तो फिर क्या बात करें? तुम्हारे बारे में कर लेते हैं, क्या है? ठीक है ना? चलो अपने बारे में बताओ। Çiçekler sundum sana, seversin diye. Kya batam? Seversin diye, seversin diye. Şükür hay Allah ka. कहा बेटा,
मेरा प्यारा बच्चा कितना थक गया होगा ना, थक गए हो ना मेरे बच्चे। अम्मी हा? मैं इतने छुपके से अंदर आया कि आपकी आंख न खुल जाए, फिर आप कैसे उठी? मैं सोई कब थी मेरे बच्चे? क्या हुआ, सब खैरियत तो है, आप ठीक है ना? ठीक, मैं बस सो नहीं सकी, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, अपने बेटे को ही नहीं समझती। तुमसे शादी की बात करने के बाद कैसे बताऊं तुम्हें, परेशान हो गई थी कि हर वक्त तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ कि शादी कर लो। फिर सोचा कि तुमसे शादी की बात ही क्यों की, मेरे बेटे के पास तो बहुत सारे काम है करने के लिए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन कब तक इंतजार करूं मेरे बच्चे, मैं भी किस किस का ख्याल रखूं। वैसे मैंने काफी चीजें खरीद ली हैं, तुम देख लेना। अब मतलब बस अब तुम आसले के लिए जाओ और फर्नीचर वगैरह खरीद लो। जब मैं यिल्दिज को देखती हूँ उसका भी कोई इरादा नहीं लगता मुझे, मतलब मैं उससे वैसे ही पूछती रहती हूँ मगर उसके पास कुछ है ही नहीं। तुम खुद ही मुझे बताओ, क्या मुझे कोई हक नहीं है शादी देखने का? तुम दोनों बताओ मुझको। मैं तुम्हें बताऊं, सुकून से सो भी नहीं सकती, तुम्हें क्या बताऊं, अपना पोता देखने के लिए कितनी बेचैन हूं मैं, इन बुरी हड्डियों में अब इतनी जान भी नहीं रही बेटा। पता नहीं मेरी आंखें कब बंद हो जाए और तुम्हारी शादी देखने का ख्वाब कहीं अधूरा ना रह जाए। क्यों, क्या मैंने कुछ गलत कहा बेटा? कागान बेटा, तुम सो गए क्या? ओ, कपड़े बदले बगैर ही सो गया मेरा बच्चा। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे मेरा बच्चा कितना थका हुआ था, मैं भी मुस्तकिल फुसूल पड़पड़ाती चली गई। हम इतनी सारी चीजें खरीद रहे हैं और अब ये क्रेडिट कार्ड निकालेंगे, तो क्या मैं आपका क्रेडिट कार्ड ले सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं ले सकती। बहुत अच्छे, हमें इंजीनियर की जरूरत है, बाकी सबको मार डालो, इनके सर पर कपड़ा डालो। अली शेर, इसे छोड़ दो। भाई रुक जाओ, छोड़ दो इसे। यहाँ नहीं आना। देख क्या रहे हो, गोली मारो उस औरत को। नहीं भाई, इंजीनियर है। जब तुमने यहाँ मिलने के लिए कहा तो मैंने खाने के लिए कुछ चीजें रख ली थी। कहा, क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे? तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है ना? इसके साथ मजाक नहीं करते, जानते हो ना? मुझे अभी बताओ, एंगल्स कौन है?